अस्सलाम वालेकुम मैथ्स एंड स्टैट्स में आपका खुश आमदीद कहते हैं। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज नंबर वन जो यूनिट टू है उसमें क्वेश्चन नंबर वन के सारे पार्ट्स कर लिए थे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो बिल्कुल उस जैसे हैं, तो इसको यहाँ पर असल में बच्चे की प्रैक्टिस करवानी है कि वो मतलूबा बाक्स में अगर इस तरह एक लाइन में वो तो वर्टिकली था, वो तो आसान था, लेकिन ये जो हॉरिजेंटल इन्होंने एडिशन दी है, इस तरह हम एक लाइन में भी यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के लिए तो मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पर ये प्रैक्टिस है कि बच्चा इसको मतलूबा कॉलम में, मतलूबा बॉक्स में, यानी वंस को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, हंड्रेड को हंड्रेड के नीचे, थाउजेंड को थाउजेंड के नीचे और टेन थाउजेंड को टेन थाउजेंड के नीचे लिख सके। यहाँ पर सिर्फ इतनी सी प्रैक्टिस उनकी करवानी है। तो ये क्वेश्चंस तो आप देख चुके हैं, 58,134 प्लस 45,367। चलो क्वेश्चंस पहले से मैं लिख लेता हूँ और उसको वन बाय वन इनको भी सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं। तो देखें, सेवन प्लस आपने फोर करना है। तो देखें इससे उसके लिए आप एक तरीका ये कर लें कि ये चार लाइनें हैं, वन टू थ्री फोर, तो इसमें आपने सेवन में, सेवन से आगे देखें एट नाइन टेन एलेवन, एलेवन हो जाएगा। तो एलेवन आपने पूरा नहीं लिखना, उसका जो टेंस का हिस्सा है वो ऊपर लेकर जाना है, कैरी, या उसको उर्दू में हासिल कह सकते हैं। ये सिक्स है, सिक्स में आपने फिर यानी थ्री प्लस वन फोर, यानी ये तो फोर हो गया, तो सिक्स में आपने फोर ऐड करना है। तो सिक्स के बाद देखें सेवन एट नाइन टेन, तो टेन में आपके पास जो वन ज़ीरो टेन होगा, तो वो अगला हिस्सा या पर टेंस वाला वो आपने ऊपर लेकर जाना है ये। तो थ्री प्लस वन यानी फोर और वन फाइव, तो इस तरह ये तो आपके पास फाइव आ गया। फिर यहाँ पर आपने देखना है एट प्लस फाइव, ये फोर है, तो इसको मैं एक लाइन और लगा देता हूँ। तो एट देखें एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन, थर्टीन में आपके पास दूसरा जो हिस्सा है आपने टेंस वाला उसको ऊपर कैरी लेकर जाना है। तो अब देखें आपने यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव है ये, तो देखें ये फोर है, तो फोर प्लस वन फाइव और फाइव और फाइव टेन हो जाएगा, या फोर प्लस वन फाइव और ये सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको, ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर यानी सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसको बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फोर, यहाँ पर सिक्स प्लस फोर, तो उंगलियों पर भी आप सेवन एट नाइन टेन बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं कि टेन हो जाएगा, दूसरा हिस्सा जाएगा ऊपर कैरी या हासिल। तो देखें फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स में आपने थ्री ऐड करना है, तो सेवन एट नाइन आपके पास हो जाएगा। बच्चों को उंगलियों पर आप प्रैक्टिस करवाएं, तो नाइन प्लस टू नाइन टेन एलेवन आपके पास हो जाएगा, तो एलेवन में ये आपके पास ऊपर कैरी चला जाएगा। तो एट प्लस वन नाइन, नाइन और टू तो टेन, एलेवन आपके पास हो जाएगा, फिर कैरी लेकर जाएंगे तो सेवन प्लस वन एट और वन, ये आपके पास नाइन। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगले सी पार्ट में आप देखें सिक्स प्लस फोर सिक्स, सेवन एट नाइन टेन हो जाएगा, वन हो जाएगा कैरी। तो सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन में अगर आपने फाइव ऐड करना है तो आपने इसको उंगलियों पर कर सकते हैं, या ये फाइव है तो सेवन के बाद एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व हो जाएगा, ट्वेल्व में आप ये वन आपके पास हो जाएगा कैरी। सेवन और सेवन फोर्टीन होते हैं, वन फिफ्टीन आ जाएगा आपके पास, यानी सात दो चौदह और एक पंद्रह। इस तरह भी बच्चों को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप करवा सकते हैं। तो ये अगर वन इसमें ऐड कर लें तो ये नाइन हो जाएगा, नाइन और नाइन आपके पास आसानी से बच्चे बता सकते हैं कि एटीन हो जाएगा, या नाइन प्लस वन टेन, टेन और एट आपके पास एटीन, या उंगलियों पर आप जो है वो बच्चों को कर सकते हैं। वन टू थ्री मज़ीद में करूँगा, तो टेन के बाद आपने देखें एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन आपके पास हो जाएगा, तो वन यहाँ पर फिर आ जाएगा कैरी। तो नाइन प्लस वन टेन और एट फिर करेंगे तो आपके पास उसी तरीके से ये एटीन ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट को भी कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को आप जितनी प्रैक्टिस करवाएंगे एडिशन की इतनी ही कम है। थ्री प्लस वन, तो थ्री के बाद यानी वन फोर हो जाएगा, और यहाँ पर फोर और फोर आपके पास एट हो जाएगा, या फोर फाइव सिक्स सेवन एट आपके पास, इस तरह उंगलियों पर भी आप उसको कर सकते हैं। फाइव प्लस टू फाइव सिक्स सेवन हो जाएगा, और इसी तरह सेवन प्लस थ्री सेवन एट नाइन टेन हो जाएगा, तो वन आपके पास कैरी। फाइव प्लस वन सिक्स, और सिक्स और सिक्स आपके पास होते हैं ट्वेल्व, या उंगलियों पर भी आप उनको बता सकते हैं, या लाइनें लगा कर भी कर सकते हैं। सिक्स प्लस फोर, यहाँ पर वन टू थ्री फोर मैं कर लेता हूँ, तो सिक्स आपके पास सेवन एट नाइन टेन हो जाएगा, वन आपके पास कैरी आ जाएगा। तो फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स में आप फिर फोर ऐड करेंगे तो उसी तरह टेन हो जाएगा।
सेवन और सेवन फोर्टीन और वन फिफ्टीन हो जाएगा। फिफ्टीन में वन आप एट यहाँ पर आ जाएगा कैरी, तो एट प्लस वन नाइन हो जाएगा। नाइन में अगर आपने सिक्स एट करना है तो देखें नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन आपके पास हो जाएगा। तो इससे 15 आपके पास आंसर आ गए। यहाँ से आपने कैरी लेकर जाना है, 9 प्लस 1 10 और आपने 5 इसमें ऐड करना है तो ये 15 हो जाएगा, या 11 12 13 14 15 इस तरह आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको आप देख लें इस क्वेश्चन को, तो 3 प्लस 2 4 5 हो जाएगा आपके पास, और 4 प्लस 3 4 5 6 7 हो जाएगा, और इसी तरह 6 में अगर 4 ऐड करना है तो 1 2 3 4, तो 6 में 7 8 9 10 हो जाएगा और 1 आपके पास यहां पर कैरी। तो 7 में आपने 6 ऐड करना है तो किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, 7 8 9 10 11 12 13 हो जाएगा, 13 में 1 आपके पास कैरी। और यहां पर अब आपने करना है 6 प्लस 1 7, 7 में 8 8 करना है तो 1 2 3 4 5 6 है तो 7 8। अब देखें इसमें ये हम ऐड कर लेते हैं, लाइन 7 है तो 7 के आगे हमने 8 गिनती करना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर 153,075 ये हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है नेक्स्ट जी पार्ट। देखें 7 में अगर आपने 5 1 2 3 4 5 है तो ये 7 तो 8 9 10 11 12 हो जाएगा, तो 1 12 में आपने टेंस वाला हिस्सा आगे कैरी लेकर जाना है तो 3 प्लस 1 4 और 1 4 और 1 5 ये आपके पास हो जाएगा। 5 प्लस 1 ये आपके पास 6 हो जाएगा, 2 प्लस 1 ये आपके पास 3, और 6 में आपने 4 ऐड करना है 1 2 3 4, तो ये 7 8 9 10 हो जाएगा आपके पास। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, यानी 103,652 ये आपके पास इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर 4 और 4 चूँकि आपके पास 8 होते हैं, यानी 4 2 ज़ार 8, या 5 6 7 8 इस तरह उंगलियों पर आपने गिनती करनी है। तो 8 1 2 3 4 है तो 6 के बाद यानी 7 8 9 10 हो जाएगा, 1 आपके पास आ जाएगा कैरी, या आप इसको हासिल कर सकते हैं। 7 और 7 14 होते हैं, या यहाँ पर 1 2 3 4 है 5 6 7, तो देखें 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। 7 मज़ीद इसमें ऐड करेंगे तो ये 9 10 11 12 13 14 15 हो जाएगा। 15 में आपके पास यहाँ पर आपने कैरी 1 लेकर जाना है, तो यहाँ पर 8 प्लस 1 9, 9 में अगर आप 5 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे तो 9 ये 10 11 12 13 14 आपके पास हो जाएगा, 14 में 1 कैरी। तो इस तरह ये 5 प्लस 1 6 और ये भी 6 6 और 6 आपके पास कितने होते हैं 12 होते हैं, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर 4 प्लस 2 तो 6 5 और 6 हो जाएगा 4 प्लस 2, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 5 प्लस 3 5 6 7 8 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर 8 प्लस 4 1 2 3 4, तो 8 के बाद 9 10 11 12 हो जाएगा, 1 आपके पास कैरी, 5 प्लस 1 6, 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं, या लाइनें लगाकर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह ये दूसरा क्वेश्चंस के भी सारे पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।